हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गुड फूड विद प्रिया। तो फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ रेसिपी दाल मखनी, जो कि बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल दाल मखनी है। दाल मखनी बनाने के लिए मैंने जो राजमा और काली उड़द की दाल ली है, तो इसे बनाने के लिए मैंने सबसे पहले राजमा रात में भिगो दी थी और अब मैं इसे कुकर में डाल के 15 मिनट तक पकाऊँगी। तो इसमें मैंने डाला है 1 चम्मच तेल और 1 चम्मच नमक। तो ये 15 मिनट मैंने पका ली है दाल। ये देखिए इस तरीके की हो गई है। अब मैं इसमें जो काली उड़द है इसको धो के अच्छे से इसमें मिक्स कर लूँगी और फिर से हम इसे 15 मिनट तक पकाएंगे। मैं यहाँ पे 200 ml लगभग 200 ml पानी डालूँगी। आपको जितना पानी रखना आप उतना डाल सकते हैं, लेकिन इस दाल में जो है ज़्यादा पानी नहीं लगता, थोड़ी ये थिक रहती है दाल। तो इंग्रेडिएंट्स जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया है 1 बड़ा प्याज मैंने कट दिया है, 2 मैंने टोमेटो, इसमें मैंने हरी मिर्च पीस दी है, जिंजर गार्लिक पेस्ट मैंने फ्रेश क्रश्ड किया है, गरम मसाला है, 2 चम्मच धनिया पाउडर है, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच जीरा और 1 चम्मच जीरा पाउडर और दालचीनी और सूखा तेज़ पत्ता है। तो अब हम तड़का लगाना शुरू करेंगे। तो मैंने कढ़ाई में जो है तेल डाल दिया है। तेल डालने के बाद मैं तेल गर्म होने के बाद इसमें तेज़पत्ता और दालचीनी डाल दूंगी और साथ ही मैं डाल दूंगी जीरा। जीरा भुनने के बाद मैं इसमें प्याज डाल दूंगी। ये देखिए इस तरीके से हम इसे थोड़ा चलाएंगे। इसके बाद मैं इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट जो मैंने फ्रेश मतलब क्रश्ड किया था ये डाल देंगे और इसे अच्छे से भुनने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर। अब इसे करेंगे हम मिक्स। मिक्स करने के बाद मैं इसमें चुटकी भर जो है हींग डालूंगी, हींग पाउडर एवरेस्ट का। और इसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी टोमेटो प्यूरे, जिसमें हरी मिर्ची भी है पीसी हुई। अब इसे हम मसाले को जो है अच्छे से मिक्स करना है और 1 चम्मच में यहाँ पे डाली हूँ नमक। आप अपने टेस्ट के अनुसार नमक लीजिएगा। अब इसे मैं लिड लगा दूंगी और 5 मिनट तक जो है इसे पकने दूंगी, जब तक ये मसाला ऑयल लूज़ ना करें। तो देखिए मसाला पक चुका है, ऑयल अच्छे से निकल चुका है। अब ये जो दाल है इसका जो है मैं पहले दाल डालूंगी, इसका पानी हम बाद में डालेंगे। तो इस दाल को जो है हमें इस मसाले में अच्छे से मिक्स करना है। इस तरीके से दाल जो है हमें मैश करनी है। अब मैं इसमें डालूँगी गरम मसाला लगभग 1 चम्मच और इसे अच्छे से मिक्स करना है हमें मीडियम फ्लेम पे। ये देखिए अब मैंने इसमें दाल का पानी डाल दिया है, हमें ज़्यादा पानी नहीं डालना है और ये उबल चुकी है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ कसूरी मेथी हाथों से क्रश करके, ये देखिए इस तरीके से। बस अब इस दाल को हमें 2 मिनट तक इसी फुल आंच पे पकाना है और ये दाल हमारी जो है रेडी है। तो फ्रेंड्स, आपको कैसी लगी रेसिपी मुझे प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू। Like, share, and subscribe.